जी हाँ नमस्कार हरियाणा के ज़िलों के नाम अंकरण यानी हरियाणा के ज़िलों का नाम किस कांड से पड़ा है आपको अच्छी तरह से बताएंगे आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा के बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं सबसे पहले सिरसा की बात करें सिरसा ज़िला का नाम पड़ा है साश्वत ऋषि सिरस के पेड़ के नाम पर फतेहबाद बाबा फ़तेह चंद के नाम पर इसहार चार मीनार थी इसार में लाहौरी मोरी तालकी और नागौरी यानी नागौरी गेट आप सुना होगा ताल ताल जो तालकी गेट भी सुना होगा यानी ये लाहौरिया चौक भी आपने सुना होगा ये आपको पता होगा कि हिसार में चार किले थे भिवानी राजा भवानी सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा था महेंद्रगढ़ का नाम राजा महेंद्र सिंह के नाम पर केथल का नाम हनुमान जी की स्थली है इसलिए केथल नाम पड़ा और जींद का नाम जयंती देवी के नाम पर पड़ा रोहतक का नाम तारावती रानी के पुत्र रोहता से रोहतक नाम पड़ा था और झज्जर का नाम छज्जू नामक किसान से पड़ा छज्जू से झज्जर हो गया रेवाड़ी का नाम जो है राजा रेवत के राजा सॉरी राजा रेवत ने रेवती को दान किया था पंचकुला का नाम पाँच कूप यानी पांच झरनों के कारण पड़ा था अंबाला का नाम अंबालिका के नाम पर पड़ा था यमुनानगर का नाम यमुना के किनारे होने के कारण नाम पड़ा था यमुना नदी के किनारे होने के कारण कुरुक्षेत्र का नाम कौरव का क्षेत्र था ये करनाल दानवीर कर्ण के नाम पर पाणीपत पाणिनी ऋषि के नाम पर पाणिनी ऋषि के नाम पर पाणीपत पड़ा सोनीपत श्रवण कुमार ऋषि के नाम पर आपको पता है श्रवण कुमार कौन थे और गुरुग्राम 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 द्रोणाचार्य के नाम पर और फरीदाबाद बाबा फरीद मज़ार के नाम पर तो ध्यान से इस वीडियो को एक बार और आप अच्छे से देखें क्योंकि तो एग्जाम में से एक दो नंबर के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इस तरह की वीडियो हम और भी लेकर आते रहेंगे तो इस यूट्यूब चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू धन्यवाद